हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द साइड आयशा। अक्सर मैं आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड कई सारे टिप्स आइडियाज लेकर आती हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कुछ लोगों के सवालों के लिए वीडियो बनाया है। जैसे कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है या फिर वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जॉब अच्छा है या फिर यूट्यूबर बनना अच्छा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो कई लोगों के दिमाग में चलता है। तो इसी सवाल का मैं जवाब लेकर आई हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, और मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी क्योंकि आप लोगों के दिमाग में भी आज के समय में आप सभी को पता है कि यूट्यूबर होना कितनी बड़ी बात है, यूट्यूब से पैसे यानी मनी अर्न करना भी एक बहुत बड़ी बात है, और दूसरी तरफ आज के समय में यानी कि 2022 में जॉब पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, स्पेशली अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और या फिर प्राइवेट जॉब भी लेना बहुत टफ हो चला है, बिकॉज अभी के समय में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है। तो ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम लोग पहले बात करेंगे कि यूट्यूब के क्या फायदे हैं, जॉब के क्या फायदे हैं, प्रोस एंड कॉन्स क्या है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आप सभी को यूट्यूब से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए बात करेंगे कि आखिरकार कौन बेहतर है, कौन किससे ज्यादा बेहतर है, जॉब बेहतर है या फिर यूट्यूबर होना बेहतर है। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे जॉब की। जॉब के लिए हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसकी तैयारी करते हैं, फिर जाकर इंटरव्यू देते हैं, या कई तरीके की ऐसी जॉब होती है जैसे कि गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें हम लोग एग्जाम देते हैं रिटर्न, फिर सेकेंड राउंड का एग्जाम होता है, थर्ड में इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, उसके बाद जाकर जॉब होती है। प्राइवेट जॉब की बात करें तो वहां पर इंटरव्यू होता है, काइंड ऑफ टेस्ट होता है इन अ सेम डे, और उसके बाद हम लोग प्राइवेट जॉब भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे YouTube के लिए कि YouTube के लिए क्या जरूरी है। YouTube के लिए भी ऑब्वियसली आप सभी को प्रिपेयर करना होता है, लेकिन क्या प्रिपेयर करना होता है वो है अपना एक नीश, कैटेगरी, प्लान, कैसे आप सभी को अपने वीडियो चलाना है, कौन से टॉपिक पर चलाना है। तो यहाँ पर ऐसे प्लान होते हैं, यहाँ पर आपका कुछ और प्लान होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई यानी कि स्टडी वगैरह छोड़ के यूट्यूबर बन जाओ, क्योंकि एक यूट्यूबर बनने के लिए भी आप सभी को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कई चीजें समझ में नहीं आएगी ना। सिर्फ कैमरा के सामने आके बोल देने से और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देने से कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, आज डेट में से कई लोग हैं जो ऐसे भी काम कर रहे हैं जिनके पास कोई स्किल्स नहीं थी, कोई एडुकेशन नॉलेज नहीं थी, फिर भी वो यूट्यूबर बन चुके हैं। लेकिन आप सभी को ऐसा नहीं करना है, आप सभी को सारे प्रॉपर एडुकेशन भी चाहिए। अगर जॉब की ओर जाना चाहते हो जॉब की ओर भी जाओ, लेकिन अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो उसके क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताऊं। अब बात करेंगे सेकेंड पॉइंट जॉब के बारे में कि आप सभी को जॉब करना है तो उसके लिए आप सभी को पूरी डेडिकेशन देनी होती है, मेहनत करनी होती है, और अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप सभी को डेडिकेशन देनी होती है। ये नहीं कि सिर्फ अपने पैशन यानी कि शौक में आकर यूट्यूबर बन गए। अगर शौक में बन रहे हो तो फिर तो वो काम हासिल नहीं कर पाओगे जहां तक आप सभी को यूट्यूब में पहुंचना है। यूट्यूब में वीडियोस बनाना ही एक काम नहीं होता है, यूट्यूब में वीडियोस बनाना, अपने ऑडियंस को अपने चैनल पर बनाए रखना, एंगेजमेंट लाना, फिर उसे मनी अर्न करना एक बहुत बड़ा हाई लेवल का काम है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि जॉब में आप सभी को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिल जाती है कि हाँ जॉब है तो मंथली बेसिस पे आप सभी की मनी जो है यानी कि सैलरी वो रिलीज होगी ही होगी। आप सभी को 8 से या 9 घंटे देने हैं, काम करना है, उसके बाद घर जाकर अपने फैमिली के साथ मस्त वाला टाइम स्पेंड करोगे। लेकिन YouTube में ऐसा नहीं होता, YouTube में कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप चाहो तो 4 घंटे दे सकते हो, आप चाहो तो 8 घंटे दे सकते हो, या तो आप चाहो तो पूरा दिन लगा दो। लेकिन जैसे एक बार आप सभी यूट्यूबर बन जाओगे ना, आपका सारा दिमाग दिन रात सिर्फ YouTube में चलता रहेगा कि YouTube पर कौन सी वीडियोस बनानी है, सब्सक्राइबर्स चेक करते रहोगे, अपनी वीडियोस पे कितने रीच है, कितना एंगेजमेंट है, कैसे टॉपिक बनाने चाहिए, ये सब रिसर्च में ही आपका सारा टाइम जाता रहेगा। इनफैक्ट ये मेरे साथ भी होता है, क्योंकि मेरा सिर्फ YouTube चैनल पे एक चैनल नहीं है, बहुत सारा चैनल है, काइंड ऑफ 4-5 मान के चल सकते हो। आप सिर्फ यूट्यूब मंत्रा से मुझे जज ना करे, इससे पहले भी मेरे कई चैनल हैं, आप सभी खुद देख सकते हो कि वहां पर भी व्यूज अच्छे आते हैं। तो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं यूट्यूब पर वीडियो सिंस 2019 से बना रही हूं, और अभी तक मैं यूट्यूब पर एक्टिव हूं। यूट्यूब मंत्रा ये मेरा नया चैनल है, यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हो कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे चैनल पर अच्छी एंगेजमेंट हो, अच्छे रीच हो, ऑडियंस जो है मेरे चैनल पर बनी रहे। लेकिन उसके लिए मुझे भी मेहनत करनी होती है, मुझे अपना नीश, मेरे को अपनी कंटेंट कैसे प्लान करना है, कैसे बोलना है,
कब अपलोड करना है वीडियो, क्या टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन जाएगा, इन सब में भी टाइम कंजप्शन है। अगर आप इनफैक्ट कोई भी काम करना चाहते हो ना, उसमें आप सभी को अपनी पूरी डेडिकेशन देनी होती है। मैं आप सभी को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करूंगी कि आप सभी जॉब नहीं करो और यूट्यूबर बन जाओ, लेकिन मैं बोलूंगी अगर यूट्यूब पर भी आ रहे हो तो आप सभी को उतनी ही मेहनत करनी है जितना आप सभी को जॉब पाने के लिए करना होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर वालों को बताने में ये कभी प्रॉब्लम आ सकती है, उनको कैसे समझाएं कि हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब के क्या फायदे हैं। तो जैसे आप सभी की स्टडीज, आपका एडुकेशन, क्वालिफिकेशन जो है, आप सभी उसका रिजल्ट जॉब के रूप में लाकर अपने पेरेंट्स के सामने रखते हो, वैसे ही आप सभी सिंपली यूट्यूबर बनने के लिए आप सभी को भी रिजल्ट देना होगा। वो कैसे? तो मनी अर्न करके दिखाना होगा कि आप यूट्यूब से इतने पैसे अर्न कर रहे हो, मनी अर्न कर रहे हो। लेकिन अब ये बात नहीं होगी कि आपके 10,000 सब्सक्राइबर है तो आप बहुत मनी अर्न कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे यूट्यूब से जैसे मनी अर्न करने की बहुत चीजें हैं, जैसे कि आप सभी अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। मैं ये सिर्फ नहीं बोली कि आप सभी सिर्फ यूट्यूबर बन जाओ, मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी जो आप सभी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जॉब में कहीं कहीं कुछ सिक्योरिटीज आती है। जैसे वहां पर आप सभी को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, सैलरी की आप सभी की सिक्योरिटी होती है कि मंथली बेसिस पे आएगी, 8 घंटे देने होते हैं सिर्फ वहां पर, उसके बाद फैमिली के साथ आप सभी मस्त टाइम अपना स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ मैं बताऊंगी कि आप सभी को यहाँ पर भी यूट्यूब पे कुछ ऐसा ही करना है कि हर दिन अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो हर दिन अपना एक टाइम जो है सेट कर लो कि इस टाइम पर आपको अपनी वीडियोस बनानी है, एडिट करना है, ऐसे कंटेंट बोलना है, इतना टाइम फिक्स कर लो, आपको यहाँ पर टाइम मैनेज। अब अगर आप सुबह का आपने अपना स्लॉट बुक किया कि सुबह से लेकर मुझे दोपहर तक यानी आफ्टरनून तक मुझे 4 से 5 घंटे देने हैं और 4 से 5 घंटे में आपको यूट्यूब का सारा काम खत्म कर देना है, तो इसमें भी आप काम कर लोगे। रात में 1 घंटे दे दो कि अगले दिन के लिए मैं नीश यानी अपने कॉन्टेंट डिसाइड कर लूँ कि हाँ इस पर मैं कॉन्टेंट बनाकर वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ। सेकेंड सबसे जरूरी बात है कि सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो नहीं अपलोड करना है, जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, अगर आपने एक नीश ऑप्ट कर लिया कि आपको टेक्निकल पर वीडियोस डालनी है, या फिर मैं अपने चैनल का एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स डालने हैं, तो यहाँ वैसे ही लोग आ रहे हैं जो यूट्यूब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो। और जैसे ही मैंने अपने पे बहुत सारी चीजें, हाँ मैं अब यहाँ से ऑल ऑफ सडन किसी रेस्टोरेंट का दिखाने लगूँ, कैफे की वीडियोस डालने लगूँ, तो ऑब्वियसली व्यूअर्स उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो सोचेंगे कि इसने तो काइंड ऑफ व्लॉग बना दिया। तो आप सभी को सबसे पहले अपना नीश डिसाइड करना है, नीश के बाद ही आप सभी काम स्टार्ट कर सकते हो यूट्यूब पे। और सर वीडियो नहीं बनानी, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप सभी वहां से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी शुरू कर सकते हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो है सर्च कर सकते हो अपने आप के लिए कि कैसे ऑनलाइन अर्निंग जो है वो की जा सकती है। आप सभी को अपना बिजनेस भी एक्सपैंड करना होगा, जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, सिर्फ 10,000 में नहीं बोल रही हूँ, आप सभी को ऑब्वियसली आपने स्पॉन्सरशिप का नाम सुना होगा, आप सभी को लग रहा होगा कि 10,000-20,000 फॉलोअर हो गए तो मेरे पास स्पॉन्सरशिप आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपके पास स्पॉन्सरशिप आएगी, क्योंकि अगर आपको चाहिए लैक्मे का कि आप लैक्मे या फिर मैक का अपने ऊपर स्पॉन्सरशिप लो, वो आपको पे करे, तो बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे, वो किसी ऐसे यूट्यूबर को ढूंढेंगे जो कॉस्मेटिक्स में बहुत फेमस हो, जो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड रिव्यू देता हो या देती हो, बहुत फेमस इंसान हो, फेमस यूट्यूबर हो, ऐसे लोगों को पिच करेंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पर वीडियोस पर 100K व्यू आ रहा है या उसे कम आ रहा है, आप पर मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, तब जाकर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है और तब आप जाकर उस स्पॉन्सरशिप यानी एक वीडियो का 50,000 तक चार्ज कर सकते हो। और ये जो पैसे मैं बता रही हूँ, मनी जो बता रही हूँ, 50,000, ये आपको आपकी जॉब में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हो तो आपकी क्या सैलरी होगी, प्राइवेट में भी हो तो क्या सैलरी, क्योंकि यहाँ पर एक वीडियो का मैं बता रही हूँ 50,000, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, यहाँ एक एक करके आप सभी को स्टेयर्स पर चढ़ना होगा, तब जाकर आप इस हाई वाले मुकाम पर पहुंचोगे जहां आप सभी को एक वीडियो के 50,000 मिलेंगे। अब बात करेंगे हमारे अगले पॉइंट के बारे में, जैसे मैंने मेंशन किया कि जॉब के साथ बहुत सारी सिक्योरिटी आती है, सैलरी की सिक्योरिटी आती है, साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी आता है। तो आप सभी को क्या करना है कि अगर आप एक बड़े यूट्यूबर बन गए, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, तो आप सभी अपना हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस जो है खुद ही करवा सकते हो, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना, जो पैसे आ रहे हैं उसमें से पैसे को सेव करके अपनी इंश्योरेंस आप सभी स्टार्ट कर सकते हो। और आजकल बहुत मिनिमल अमाउंट में भी यानी लेस अमाउंट में बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो हेल्थ को रिलेटेड होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे आपके बहुत ज्यादा बजट से ओवर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, हेल्थ से जरूरी कोई चीज नहीं होती, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आज फिट हैं तो कल भी फिट रहेंगे, बिल्कुल नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप सभी को यहाँ पर भी अपने लिए एक सेफ्टी पहले से ही बना के, यानी कहते हैं ना लाइफ जैकेट पहले से बनाकर रखना है, वो है अपना इंश्योरेंस, साथ ही साथ आप सभी को अपनी सेविंग्स भी करनी है। सेविंग्स क्यों करनी है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि जब आप जॉब करते हो तब भी आप सेविंग्स करते हो, यहाँ यूट्यूबर बन गए तब क्यों सेविंग्स करनी है उस पर बात करते हैं। सेविंग्स करोगे तब आप सभी की कहीं ना कहीं चीजें एनहांस होती रहेगी, जैसे जैसे आप सभी का
यूट्यूब पर वीडियोस बढ़ता जाएगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आप सभी को बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और भी वीडियो क्वालिटी बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, कंटेंट बढ़ाओगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स और थोड़ी बहुत चीजें खर्च होंगे, तो उसके लिए आप सभी को सेविंग्स की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। हाँ थोड़ा सा लेकिन इनसिक्योरिटीज में यह है कि यूट्यूब पर कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब पर सारा काम एल्गोरिथम का होता है, यहाँ पर अगर आपको जैसे ही आपके व्यूज गिरे, सब्सक्राइबर डाउन हुआ तो आपका काम फिनिश। अगर आप सभी फेमस होना चाहते हो, फेम चाहते हो और चाहते हो कि आपका नाम हो, पैसे कमाना यानी मनी अर्न करना चाहते हो, तो आप सभी ऑब्वियसली यूट्यूबर बन सकते हो। लेकिन अगर आप सभी चाहते हो कि फेमस ना भी हो, एक फेमस मतलब एक अच्छे नाम से आप यूट्यूबर जाने जाओ, फेमस ना हो बाय फेस, और ऐसे फेसलेस चैनल भी हैं जो अच्छा खासा मनी अर्न कर रहे हैं, तो वैसे भी काम आप सभी कर सकते हो। लेकिन जॉब में ये बिल्कुल कहूंगी कि सिक्योरिटी है, मंथली बेसिस पे पैसे हैं, लेकिन आप सभी को यहाँ पर यूट्यूब पे ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि हर दिन आप सभी का ये सोचने में जाएगा कि कैसे आप सभी को अपने व्यूअर्स के एंगेजमेंट पानी है और आप सभी को अपने चैनल पर उस व्यूअर्स को बनाकर रखना है, तभी जाकर आप सभी ये मुकाम हासिल कर पाओगे। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि सपने में भी आपकी ये चीजें चलेंगी, कल मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, ऐसे बनाना है, सोचते रहोगे कि हाँ आज YTN स्टूडियो देख लेता हूँ या फिर देख लेती हूँ, सुबह में सबसे पहले उठ के यही काम करोगे, और जॉब में बिल्कुल ये काम नहीं करोगे, जॉब में उठोगे सुबह ब्रेकफास्ट करोगे, शावर लोगे, रेडी वेडी होके अपने ऑफिस चले जाओगे। लेकिन जैसे ही आप यूट्यूबर बनते हो, ये सारी चीजें लाइबिलिटीज आपके ऊपर आती है, इसको मैं लाइबिलिटीज बोल रही हूँ, क्योंकि एसेट्स आपका वो होगा जो बाद में आप अर्न करोगे, आपकी मेहनत दिखाएगी। और सबसे पहली बात, वो इंसान सबसे बेहतर काम करता है जो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान के साथ चलता हो, कोई भी काम शॉर्ट टर्म प्लान के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म प्लान है तो अपने साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान भी रखो, ताकि आप सभी आगे बढ़ सको। अगर आप जॉब करना चाहते हो, जॉब के बाद यूट्यूबर बनना चाहते हो, वो भी एक अच्छी बात है, जॉब के साथ यूट्यूबर बनना चाहते हो वो भी अच्छी मतलब अच्छी बात है, पार्ट टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि पहले मैं सब्सक्राइबर्स अपने पे बढ़ा लेता हूँ, व्यूअर्स की अटेंशन ले लेता हूँ, फिर मैं देखूंगा कि यूट्यूब पर जमेगा या नहीं जमेगा, तो ये काम भी कर सकते हो। डेफिनेटली बहुत लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि कई लोग अपनी जॉब को मतलब जॉब छोड़कर एक बड़े यूट्यूबर बने हैं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, तो आप सभी भी डेफिनेटली ऐसा काम कर सकते हो। लेकिन आप सभी को उसके लिए ये सारी चीजें मेंटेन करनी होगी, जैसे कि आप सभी को हमेशा यूट्यूब पर अपडेट रहना पड़ेगा, स्टे अपडेटेड, वरना आप पीछे रह जाओगे भीड़ में। और हमेशा यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लान के साथ चलो यूट्यूबर की, हाँ एक महीने में या दो महीने में, छह महीने तक मेरा वीडियो नहीं चला, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बने, तब भी आप सभी को वीडियो बनाना है, कंटिन्यू रहना है यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई भी काम कंटिन्यू नहीं करते हो, आप में पेशेंस नहीं है, तो कभी भी आप एक मुकाम हासिल नहीं कर सकते हो, चाहे वो आपकी जॉब हो या फिर यूट्यूबर बनने का सपना हो। कई बार इनफैक्ट मुझे भी ऐसे लोगों को समझाने में बहुत मुश्किल होती है, जो लोग नहीं जानते कि यूट्यूब पर कैसे मनी अर्न कर सकते हैं। कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि जो हम लोग देखते हैं, मेरा जो फोन का डाटा है, मतलब मेरा इंटरनेट का जो डाटा है, उसकी वजह से तुमको वो पैसे मिल रहे, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है कि नहीं, मैं ऐसे कॉन्टेंट बना रही हूँ, मेरी मेहनत है कि जिसकी वजह से एंगेजमेंट मुझ पर आ रही है, मेरे चैनल पर आ रही है, मेरे वीडियोज को लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसके बाद मैं मनी अर्न कर रही हूँ। ये कुछ लोगों को समझाना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएंगे। आपको बस क्या करना है कि ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना काम कंटिन्यू रखना है। आप सभी यूट्यूबर काम करते करते अपना बिजनेस भी एक्सपैंड कर सकते हो, वो कैसे कि आपके पास जो स्पॉन्सरशिप आ रही है उससे तो आप सभी को मनी अच्छी खासी आएगी ही आएगी, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग के और भी कई सारे रास्ते होते हैं, क्योंकि यूट्यूब भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो जैसे आपने इसको एक जरिया बनाया अर्निंग का, वैसे ही आप दूसरे जरिए भी बना सकते हो। सिर्फ एक जगह आप सभी को स्टक हो गया स्टिक होकर नहीं रहना है, अगर अदर प्लेटफॉर्म्स भी देखते रहने हैं, जैसे आप सभी को एक प्लेटफॉर्म का आइडिया होगा, दूसरे पर जाना है, वहां से मनी अर्न करना है, क्योंकि पैंडेमिक में आप सभी ने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो लोग पहले टिकटॉक से मनी अर्न करते थे, उनका काफी नाम हो गया, फेमस हो गया, लेकिन टिकटॉक क्या है, इंडिया में बैंड हो गया है, और वही लोग अब आप सभी को यूट्यूब पर दिख जाएंगे, इंस्टाग्राम पर दिख जाएंगे, फेसबुक पर दिख जाएंगे, तो उन लोगों ने अपना एक जरिया बनाया, प्लेटफॉर्म पहले जहां से शुरुआत की वो बैंड हो गया, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी उठता होगा कि क्या पता कल को यूट्यूब बंद हो जाए, क्या पता कल को गूगल बंद हो जाए। ऑब्वियसली आप सभी को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी लगती होगी, इसलिए आप सभी को अपने लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म बनाने हैं। और मैं ये बिल्कुल बोलूंगी कि अगर एक बार आप अच्छे यूट्यूबर बन जाते हो, आपके अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे व्यू आ रहे हैं, तो आप सभी को अच्छे खासे मनी अर्न करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी नहीं बोल रही कि आप सभी अपनी जॉब छोड़ दो, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी, ऑब्वियसली मैंने आप सभी को मोटिवेट किया है कि यूट्यूबर बनो, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अगर जॉब कर रहे हो, आपके दिमाग में जॉब करना है तो जॉब करो, एडुकेशन बहुत जरूरी है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी को पेशेंस रखना है, चाहे आप स्टूडेंट हो, यूट्यूबर हो, वर्कर हो,
हर जगह पेशेंस, मोटिवेशन और डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। शौक भी बहुत बड़ी चीज होती है, पैशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पैशन में अगर मोटिवेशन, डेडिकेशन और अगर आप डिलिजेंट हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंसर्न हो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, तो आप सभी कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सभी की हेल्प करूं। इसके साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करेंगे वैसे लोगों के लिए जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक ड्रॉप किया है। जैसे ही आप सभी चेक करोगे तो देखोगे कि आप सभी को 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग का डेमो क्लास बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। सो एवरीवन, बता दूं कि सिर्फ फ्री डेमो क्लास नहीं है, इसके थ्रू आप सभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हर वो चीज जान पाओगे जो आप नहीं जानते हो, कैसे इसको अर्निंग का एक रास्ता बनाया जाए ये भी आप समझ पाओगे। तो चलो देर किस बात की, फटाफट करो, अपने आप को रजिस्टर करो 5 दिनों के फ्री डिजिटल मार्केटिंग के डेमो क्लास के लिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर यू ऑल, बाय।